दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो इन 2028 दी आई है जिसका भी पढ़ाया 3048 रखता है ट्रैक्टर है 3048 दी आई है पूरा 50 के ट्रैक्टर है। आपने इसका पहले 12 पल आप डिटेल पढ़ा रहे हैं छक्का में वो कुछ है आप पल्ला देख लीजिए उसमें इंडो भरम 3047 सी फोर व्हील भी है या फोर व्हील के भाई टू व्हील ट्रैक कर लेंगे आपको पावर स्टेयरिंग भी लिख कैपेसिटी इसकी 1400 के जी है। तेल में डूबी हुई डिस्क ब्रेक है सीधा पिछला एक्सल है रिवर्स की जो भी है डबल कल्चर में आई एयर क्लीनर ड्राई एयर क्लीनर का लिखना है सॉरी ये साइड से पढ़ लो टाइप डीजल फोर स्ट्रोक डायरेक्शन इंजेक्शन सिलेंडर 3 है फोर स्ट्रोक 105 स्पीड 2200 चक्कर पर मिनट एक लेन ड्राई फ्यूल पंप इन लाइन पंप है बोस कंपनी का कूलिंग ये सब कुछ लो डबल सिंगल गेज में ऑप्शनल है गेयर टाइप 1400 के जी इसकी कैपेसिटी है टायर इसके आपको ऑप्शनल है आप बड़े जाओ छोटे जाओ फोर व्हील में अलग है पी टी ओ 540 चक्कर गेयर बॉक्स में जैसा कि लिखा सब कुछ देख लो आप देख लो और कुछ रह जाए नहीं तेल में डूबे हरेक 14 kg ब्यूटी फ्रंट एक्सल अलग अलग के चलो इसके आप देख लो जैसे कि फोर व्हील का अलग है टू व्हील का अलग है अब आप लोग जो ट्रैक्टर करोगे इसके फिल्टर है डीजल के फिल्टर है वाटर स्प्रेटर का इससे क्या पानी निकला कचरा वगैरह आए उसके साथ बने लिए या इंजन का ऑयल चेक करने के लिए रेड डबल एक्टिंग पावर स्टेशन है यह आप देख रहे हैं डबल एक्टिंग रोड एनसीआर का टायर है 650 तो बोल रहे हैं विंडो फॉर्म भी सीधे होती थी हाइट भी इतना था इसका देर की पाँच से कम कर वाइड वाले कंपनी का तो ऑर्डर और कॉस्ट भी कम है इसी के लिए रिवर्स के लिए गेयर इसमें कॉपी करेंगे साइड में गेयर शिफ्ट में साइड गेयर पोस्टल अपने फॉर्मेश का खुला है कल्च गोल कल्च में पेडल में है कल्च इसकी हाथ दबाव होता है आपके गेयर के गेयर बॉक्स के लिए और फिर उसको पूरा दबाव होता है पीपल के लिए इसके लिफ्टों के लिए दे रखे जाते हैं आप फिर एकदम कॉल में अब चलते हैं भाई इसके पीछे की तरफ दिखाते हैं आपको इसका पीछे वाला टायर मिलता में 1428 का जैसे आप देख सकते हैं इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है भाई 1400 की ये सामने यहाँ पे देख सकते हैं ये हुक है इसके नीचे पी टी ओ भी नहीं रखा है यहाँ पे हुक दे रखे हैं थोड़े उसमें यहाँ पे पोर्ट दे रखा है पीछे अगर आपको लाइट वगैरह चाहिए तो उसके लिए पोर्ट है और ये हाइड्रोलिक ये वाले यहाँ रोक रोटावेटर है आपको रोटावेटर उसके लिए
बहुत ही बढ़िया कूलिंग सिस्टम दे रखा उन्होंने। और ये यहाँ पे जैसे आपका अगर आप टूल बॉक्स है, नीचे से आप कवर एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये रखा है इन्होंने। और ये पीछे एक और वो दे रखा है यहाँ पे इन्होंने, ये आपको पता है जैसे अच्छा सामान जोड़ नहीं देते हैं। आप चलते हैं इसके ऊपर और इसको बाट के आप बताते हैं इसके बारे में। और यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए जैसे बताते हैं आपको, यहाँ सामने इसका मीटर दे रखा है, जैसे आपको पता आर पी एम मीटर है। यहाँ पे हॉर्न का भी दे रखा है साथ में, हाथ वाली रेस है। यहाँ बीच में हॉर्न बटन, एक हॉर्न बटन आपको हैंडल में मिल जाता है। यहाँ पे ये लाइट वगैरह के लिए है। यहाँ पे हमको मिलती है क्लच, दूसरी साइड पे मिलती है रेस, ओ सॉरी ब्रेक है ये। और यहाँ पे मिल जाएगी रेस, ये आइलो गियर, साथ में पी टी ओ और रिवर्स पी टी ओ भी दे रखा है। बता रहा हूँ आपको टूल बॉक्स बनता है। और ये साइड में उनकी तरफ भी हमारे गियर हैं, रिवर्स चार गियर होता है ये हमारे इधर हैं, लेफ्ट के लिए लीवर। काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर है ये, देख सकते हैं धुआने का स्प्लेंसर। और सिंगल हुड में है ये, पहले क्या होता था दोनों तरफ रुकाना पड़ता था, इतने पंगे वगैरह होते थे, तो ये सिंगल हुड में इंडो फार्म टी शर्ट दी गई है। बताते हैं आपको इसके आगे बारे में, यहाँ से आप इसको दबा के ऐसे और इसको पूरा उठा सकते हैं। सिंगल हुड है जैसे बताया था मैंने आपको, आगे बढ़िया बंपर लगवा रखा है इन्होंने, ये न्यू हॉलैंड का मार्क। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।